अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी नेक दिली हाजात को पूरा अता फरमाए, आपको बहुत बहुत खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, ठीक है। और आज मैं पका रही हूँ पालक पकौड़ा, देसी पालक पकौड़ा, ठीक है। और मैं लेने आई हूँ पालक। हम लोगों ने इधर पालक वगैरह भी बीज रखी है, काश्त कर रखी है। अभी मैं वो पालक काटने आई थी और मुझे अभी मोटे मोटे शलजम भी नज़र आ रहे हैं और मूली भी नज़र आ रही है, सोच रही हूँ वो भी लेके जाऊँ और धनिया भी। और ये है पालक, क्योंकि ये थोड़ी है, कोई मसला नहीं, मैं थोड़े थोड़े पत्ते ऊपर से काट लूँगी इसके, क्योंकि जब हमने साग वगैरह बनाया था ना तब इसको हम काट के तो ले गए थे सारी तकरीबन। तो अभी ये मैं थोड़े थोड़े ये जो है ना ऊपर ऊपर से साफ साफ पत्ते, इनको अभी मैं काट दूँगी। मुझे बस मुट्ठी भर चाहिए थी, वो मैंने काट ली है। अभी मुझे चाहिए धनिया, ये देख सकते हैं ये धनिया है, हरा धनिया, ये सारा हरा धनिया है। अभी मैं इसको भी काट लेती हूँ जल्दी से जी। पालक भी हो गया, धनिया भी हो गया और जाते जाते मुझे नज़र आ गया शलजम। ये आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखें, एक दो तीन, इस वाले को खेल लूँगी मैं, आई शलजम। ये मैं ले आई हूँ पालक और धनिया, ये इसको अच्छे से मैंने काट लिया, काट के इसको मैंने धो लिया। उसके बाद ये आधा किलो तकरीबन आलू है और एक बड़े अदद, बड़ा अदद का एक प्याज है। अब ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें, बिस्मिल्लाह। अभी इसके अंदर ये मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई ये ऐड कर दूंगी, ये थोड़ा सा जीरा है ये थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, ये थोड़ा सा मेरे पास है सूखा धनिया इसको ऐड कर दूंगी। अब थोड़ा सा नमक हसबे ज़रूरत, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी लाल मिर्चें, ये लाल मिर्चें मोटी वाली। और अब इसमें जाएगा हमारा बेसन, इसको बेसन ऐड कर दूंगी मैं, तकरीबन इतना काफी होगा। और इसमें मैं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्सचर बना लूंगी। ये मेरा देसी पालक पकोड़े का जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी हो गया और ऑयल भी मेरा गर्म हो गया, और मैं अब ये ऑयल में ऐड कर दूंगी। ये मेरे बन चुके हैं देसी पालक पकौड़ा, मुंह में पानी आ रहा, दिल कर रहा खा लूं। पर अभी कंट्रोल करना है, ये जो बाकी मेरा मसाला पड़ा है ये भी मैं सारे के सारे अब बना लूंगी।